नमस्कार, झरोखा चैनल में आपका स्वागत है और हम आपको आज अलंकार ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं। अलंकारों को पहचानने के लिए एक आसान तरीका और रोचक तरीका क्या हो सकता है, उसके बारे में हम इसमें आपको बताएंगे। तो चलिए, कविता की चार पंक्तियों के माध्यम से हम यह जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचाना जाए। तो कविता को सुनिए। अनुप्रास में एक वर्ण की होती बार बार अगुवाई। अनुप्रास में एक वर्ण की होती बार बार अगुवाई, जैसे चाचा ने चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। तो इस कविता के माध्यम से हमको पता चलता है कि जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और चाचा ने चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई के उदाहरण के द्वारा उसे यहां पर समझा भी दिया गया है। तो यह था अलंकार ट्रिक का हमारा यह वीडियो, और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमने इसी तरह अध्ययन को रोचक बनाने के उद्देश्य से अलंकार क्विज भी तैयार किया है, जिसमें हम अलंकारों के बारे में अपने ज्ञान को परख सकते हैं। आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। और इसी तरह अलंकारों की विधिवत परिभाषाओं, उदाहरणों वाला भी एक और वीडियो हमने बनाया है, जिसमें वह आपको अलंकारों को विधिवत और शास्त्रीय तरीके से, साहित्यिक तरीके से समझने में मदद मिलेगी। उसे देखने के लिए भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट भी है और उस पर जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेब लिंक मिलेगी, और वेबसाइट में जाकर के आप हम यहाँ जो कुछ भी बता रहे हैं उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।